ये है हमारे गांव साइड का रेगिस्तान। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ रेत नहीं है। तो गाइज मुझे बीच जंगल में एक लड़की दिखी, देखो। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं अभी आया हूँ जंगल साइड, आप लोग देख सकते हो, और बहुत ही खूबसूरत है। तो आज एक नए ट्रैकिंग वीडियो के साथ आपका स्वागत है। तो आज का हम ट्रैकिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ थोड़ा बेलापानी तक, तो देखते हैं कैसा रहता है अभी आज का सफर, क्या बोलते हो? तो और उस साइड दादी खेत जुताई कर रहा है, ये देखो। और इस साइड गाय भैंस बकरी चर रहे हैं, ये देखो कितनी खूबसूरती के साथ। और अभी मुझे जाना है इस जंगल के बीचों बीच, तो चलो चलते हैं और देखते हैं ना। काफ़ी ख़तरनाक घाट है ना, और जब भी मैं जंगल में जाता हूँ हमेशा चप्पल के साथ ही जाता हूँ। ये देखो शूज वगैरह नहीं पहनते, एक्चुअली शूज पहनने के लिए भूल जाता हूँ, कांटा और वो लकड़ी वगैरह रहता है ना, तो ऐसा ना हो कि पैर में सीधे लग जाए। और ये है पपीता का पेड़, और यहाँ छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, देखो काफ़ी छोटे छोटे हैं अभी। और मैं खट्टा मीठा लेकर आया था, ये खट्टा मीठा खाते हुए चलते हैं, थोड़ा एनर्जी लेवल कम हो जाता है ना, तो कुछ भी खा लो थोड़ा अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं ले आता हूँ। जब भी मैं जंगल साइड आता हूँ कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ क्यों करते हैं, अपने पास टाइम नहीं है भाई कि बैठ कर खा सकें, इसलिए चलते चलते खाते हैं। अब यहाँ पर मस्त पानी है। इसे गांव की भाषा में झिरिया बोलते हैं। देखो जमीन से पानी निकल रहा है, यहाँ का पानी पीते हैं, मतलब ये पीने लायक पानी रहता है शुद्ध। और यहाँ से पूरा नाली गया है नीचे की ओर, और ये पूरा गांव की ओर गया है यहाँ से आकर। तो गाइस मुझे बीच जंगल में एक लड़की दिखी, देखो वो जा रही है दूध लेकर। ओए दूध वाली, थोड़ा बैठ गया था यहाँ पर, वो शायद कर्नाटक लगी है, शायद मेरे ख्याल से गई थी वो दूध वगैरह लेने के लिए, क्योंकि दूध लेके आते हैं ना बेला पानी साइड से, और फिर दूध लेके आते हैं और फिर सीधे राजेंद्र ग्राम लेके जाते हैं दुकानों में, तो इनका काम रहता है। तो मिल गई थी, एक्चुअली पहचान की है। और तो गाइस फाइनली ऊपर पहुंचने वाला हूं, और अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं ददरा में। आप लोग देख सकते हो काफी समतल जगह है यहां, और काफी खूबसूरत भी लग रहा है। और देख सकते हो ये है हमारे गांव साइड का रेगिस्तान। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ रेत नहीं है, बाकी काफी अच्छा लग रहा है। देखो चारों साइड एकांत सुनसान वातावरण, कुछ भी नहीं है एक्चुअली, काफी अच्छा लग रहा है। देखो देखो इस साइड से आया हूं मैं अभी, और मुझे अभी जाना है इस साइड, तो चलो चलते हैं सीधे। और देखो यहाँ कुछ भी नहीं दिखता है कि एक इंसान भी नहीं दिखते हैं। आगे है घर, थोड़ी आगे घर है, बेला पानी गाँव है। तो गाइस फाइनली बेला पानी से वापस हो गया हूँ, और अभी शॉर्टकट रास्ता आ रहा हूँ, उस साइड से जा रहा था उस टाइम, और अभी इस साइड से जा रहा हूँ। गाइस काफ़ी टाइम हो गया है मुझे यहाँ आए, और मैं यहाँ रील्स वगैरह बना रहा था। अगर आप मेरा रील्स वीडियो देखना चाहते हो तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम में जाइए और राहुल एमपी वाला सर्च कीजिए और मेरे वीडियो देखिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी कर दिया करो, है ना, अगर कुछ सुझाव हो तो। तो देख सकते हो आप लोग मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप लोग जस्ट इस पहाड़ के नीचे, है ना, ये देखो, और यहाँ से पूरा गाँव दिख रहा है, ये देखो सामने दिख रहा है, ये गांव है कोन्हा टोला, ये गांव। तो थोड़ा बादल है इस वजह से क्लियर नहीं आ रहा होगा। तो कुछ इस तरह से यहां का सीन था। उम्मीद है आप लोगों को आज का छोटा सा ट्रैकिंग वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सोच रहा हूँ आज से डेली दो दो वीडियो अपलोड करूँ।
मतलब मिनी ब्लॉग्स, छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, बट सोच रहा हूँ कि डेली 2 ब्लॉग अपलोड करूँ, तो सपोर्ट करना, ठीक है? अब ज़्यादा मेहनत करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।